नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं VSmart कैमरा एप्लीकेशंस के बारे में। तो इससे पहले मैंने दोस्तों VSmart का जो रॉम रिव्यू किया था अपने पोको फोन के लिए एज वेल पोको फोन के साथ साथ जो रेडमी नोट 7 है उसके लिए भी किया था। VSmart जो है दोस्तों एक वियतनाम का कंपनी है जो कि VOS जिस तरह से हमें देने को मिलता है, जिस तरह से Xiaomi के अंदर MIUI है उस तरह से VSmart के अंदर हमें VOS देने को मिलता है। तो उस OS के अंदर जो कैमरा एप्लीकेशन देने को मिलता है उसका नाम है VSmart कैमरा ऐप एंड कुछ इस तरह से इसका ऐप आइकॉन देने को मिल गया है। एंड देखिए सब, तो इसका जो वर्जन है 1.186 एंड उसे हमने इंस्टॉल किया है अपने पोको फोन के ऊपर। एंड अभी फिलहाल हमारे पोको फोन के ऊपर जो MIUI का रॉम इंस्टॉल है वो भी आप देख लीजिए। देखिए सब, तो यहाँ पर हमने पोको फोन के ऊपर MIUI 12.6 को इंस्टॉल किया है एंड यहाँ पर ये जो रॉम है एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया। नाउ दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैमरा एप्लीकेशन है VSmart का कैमरा एप्लीकेशन आपका ऑक्सीजन उसके ऊपर काम नहीं करेगा बट MIUI 12 के ऊपर काम कर जाएगा। तो सिंपल ये जो कैमरा एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से हमें जो है इस कैमरा एप्लीकेशन का UI देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से जो VSmart कैमरा एप्लीकेशन का UI है देने को मिल गया है। ये जो कैमरा एप्लीकेशन है आपको VOS के अंदर देखने को मिलता है एंड आप देख पाओगे कुछ डिफरेंट हमें देने को मिल गया है। एंड सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है फ्लैश का ऑप्शन देने को मिलता है, ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन देने को मिल गया है एंड यहाँ पर आपको जो टाइमर का ऑप्शन है वो भी देखने को मिल गया है। यहाँ पर आप जो 3 सेकंड 10 सेकंड कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो HDR ऑप्शन है इसके अंदर ऑटो ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर जो है आपको स्लाइडर देने को मिलता है कुछ इस तरह से जो है एंड यहाँ पर आपको जो है फोकस के लिए देखने को मिल गया है, काफी बढ़िया है। यहाँ से आप जो दोस्तों 1x 2x कर पाओगे। यहाँ पर आपको जो है मैनुअल मोड भी देखने को मिलेगा। मैनुअल मोड की अगर बात करूं तो कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है, मैनुअल मोड के अंदर भी हमें 1x2x का ऑप्शन देखने को मिल गया है। ऑटो फोकस का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है एंड WB का ऑप्शन है, IOS का ऑप्शन है, शटर हो जाए सभी जो ऑप्शन है देखने को मिल गया है। तो देखिए सब, तो काफ़ी बढ़िया जो है मैनुअल मोड हमें देखने को मिलता है एंड UI जो है काफ़ी डिफरेंट है बाकी सभी जितने भी आपको नॉर्मली कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलता है उससे। एंड यहाँ पर भी आपको जो टाइमर का ऑप्शन से देखने को मिलता है तो मैनुअल मोड को भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें ब्यूटी मोड को भी ऐड किया गया है। ब्यूटी मोड की अगर बात करूँ तो कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर आपको कैमरा ब्यूटी का ऑप्शन है, यहाँ से आप इफेक्ट को ऐड कर पाओगे। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो ब्यूटी मोड का ऑप्शन है उसे भी देखने को मिलता है, फेस स्मूथिंग का ऑप्शन देखने को मिल गया है एंड ब्राइट कर सकते हो एज वेल जो है ये सभी जो ऑप्शन है हमें देखने को मिल गया है। तो आपको जो ब्यूटी मोड है उसे भी ऐड करके दिया गया है इस बिल्ड के अंदर एंड बाकी ब्यूटी AI का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। आपको शायद यहाँ पर कुछ फिल्टर्स को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर जो AR स्टिकर का ऑप्शन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, देखिए पा रहे हो जो कैमरा एप्लीकेशन है उसको ब्लैक हो जा रहा है। तो AR स्टिकर का जो ऑप्शन है वो काम नहीं करता है। तो ये जो कैमरा एप्लीकेशन है इस कैमरा एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इस कैमरा एप्लीकेशन को ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके देख सकते हो। अगर बात करूँ वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमें देने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको 30 FPS का ऑप्शन देने को मिलता है, 60 FPS का ऑप्शन देने को मिल गया है। यहाँ पर जो आप ऑडियो है उसे भी आप चाहो तो रिकॉर्ड करना बंद कर सकते हो। फ्लैश का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड टाइम लैप्स मोड की अगर बात करूँ तो टाइम लैप्स मोड भी हमें देने को मिलता है, यहाँ से आप 1 सेकंड से 10 सेकंड तक सिलेक्ट कर पाओगे। एंड स्लो मोशन फीचर्स को भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। स्लो मोशन के अंदर जो ऑडियो है उसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फास्ट मोशन जो फीचर्स उसे भी ऐड किया गया है। आप चाहो तो यहाँ से जो ऑडियो है उसे भी रिकॉर्ड कर पाओगे 2x 4x का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर वीडियो के अंदर जो ऑडियो है उसे भी आप बंद कर पाओगे। तो ये जो कैमरा एप्लीकेशन से काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर जो हमें फास्ट मोशन का फीचर्स वो देखने को मिल गया है। फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर काम कर रहा है। नाउ ये जो कैमरा एप्लीकेशन है सभी रॉम के अंदर शायद काम ना करे, आप चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो कैमरा एप्लीकेशन है इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं अब सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग्स में कुछ इस तरह से हमें देने को मिलता है, तो यहाँ पर जो है आप जो 16:9 कर सकते हो, 18:9 का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिलता है। आप हाईएस्ट जो है 12 MP का जो कैमरा है उसे यूज कर पाओगे। 4K का जो सपोर्ट है वीडियो के अंदर उसे ऐड करके दिया गया है। बाकी रॉ इमेज का भी सपोर्ट देने को मिलता है, जियो लोकेशन को भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। एंड आप जो अपना वॉल्यूम की से उसके साथ पिक्चर को क्लिक कर पाओगे, जूम कर पाओगे, वॉल्यूम की तरह भी यूज कर पाओगे। एज वेल दोस्तों वॉल्यूम की यूज करके आप वीडियो मोड के अंदर भी आप जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल को भी ऑप्शन देने को मिलता है स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर। सेल्फी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है। ग्रिड टाइप भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। कैमरा साउंड को बंद कर पाओगे। फ्री रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है, फ्री रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर मिरर इफेक्ट जो देखने को मिलता है, मिरर कैमरा का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। जो कौन कौन से फीचर जो है यहाँ पर काम कर रहा है, ऑटो मोड काम कर रहा है, अगर बात करूँ मैनुअल मोड की ये भी काम कर रहा है, ब्यूटी मोड की अगर बात करूँ तो ये भी दोस्तों यहाँ पर काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम नॉर्मली जो 60 FPS है उसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, देखिए पा रहे हो काम कर रहा है। टॉर्च को भी एनेबल कर सकते हो, फोटो के क्लिक कर पाओगे। तो यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है काम कर रहा है, आप यहाँ से जो है 1x 2x को भी जूम कर सकते हो,
टाइम लैप्स की अगर बात करूँ तो टाइम लैप्स यहाँ पर जो है काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें टाइम लैप्स का जो यूआई है देखने को मिल गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करूँ स्लो मोशन फीचर्स, उसमें भी ट्राई करके देखते हैं। वाओ, स्लो मोशन फीचर्स भी यहाँ पर काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये जो कैमरा एप्लीकेशन है VSmart का, जो कैमरा एप्लीकेशन है विदाउट रूट काम करेगा। इसके लिए आपको रूट इंस्टॉल नहीं करना होगा आपके फ़ोन के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर बात करूँ फास्ट मोशन की, तो फास्ट मोशन जो है वो भी यहाँ पर काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो आप फास्ट मोशन को भी यूज़ कर पाओगे इस VSmart कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। सो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन जो है हमारे पास जो पोको फोन है उसके ऊपर काम कर जा रहा है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो अपना HDR मोड है ये भी काम कर रहा है यहाँ पर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। HDR मोड को भी हम यूज़ करके जो है फोटोज को क्लिक कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो VSmart का कैमरा एप्लीकेशन है इसे आप ट्राई करके देखो। इस कैमरा एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो टाइम लैप्स का ऑप्शन है उसे आप फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा के अंदर यूज़ कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा यूज़ कर पाओगे। बट स्लो मोशन है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो बैक कैमरा है उसके ऊपर ही काम करेगा। आपका मैनुअल मोड हो जाए वो भी दोस्तों फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा के ऊपर काम करेगा। ऑडियो भी दोस्तों, सॉरी ऑडियो बोल रहा हूँ, अपना जो ऑटो मोड है वो भी दोस्तों बैक कैमरा फ्रंट कैमरा के ऊपर काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर ब्यूटी मोड जो है वो भी दोस्तों फ्रंट कैमरा, बैक के ऊपर काम करता है। एयर स्टिकर की अगर बात करूँ, जो एयर स्टिकर का ऑप्शन हमें यहाँ पर ऐड करके दिया गया है वो दोस्तों एक्चुअली काम नहीं करता है। तो जो एयर स्टिकर का ऑप्शन है यहाँ पर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर एयर स्टिकर का जो ऑप्शन है अगर काम कर रहा है जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। अगर बात करूँ दोस्तों पिक्चर क्वालिटी की, तो यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी हमें देने को मिलता है इस VSmart के कैमरा एप्लीकेशन के अंदर तो बढ़िया है। अगर आप गूगल कैमरा यूज़ कर चुके हो तो शायद आपको जो पिक्चर क्वालिटी इतना बढ़िया देने को ना मिले। बट नॉर्मली इन जनरल जिस तरह से स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन होता है उस तरह से हमें ये जो VSmart का कैमरा एप्लीकेशन देने को मिलता है। अगर आप एक ही तरह के कैमरा एप्लीकेशन यूज करते करते थक गए हो तो डेफिनेटली ये जो VSmart का कैमरा एप्लीकेशन से आप ट्राई करके देख सकते हो। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी जो कैमरा एप्लीकेशन है उसे मैंने रिव्यू किया था, जैसे कि आसूस का फोन का मैंने कैमरा एप्लीकेशन का रिव्यू किया, उसके बाद जो वन प्लस का फोन है उसका भी जो कैमरा एप्लीकेशन है उसका भी मैंने रिव्यू किया था। तो डेफिनेटली आप ट्राई करके देख सकते हो। एज वेल अगर आप गूगल कैमरा ट्राई करना चाहते हो तो गूगल कैमरा के रिलेटेड मैंने वीडियो किया है। अगर आप चाहते हो तो GCam का जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के ऊपर जाओ एंड आपको जो प्लेलिस्ट के अंदर गूगल कैमरा का एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जो है चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको ढेर सारी कैमरा के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएगी। नाउ एक बार आपके सामने एक फोटो क्लिक करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो सिंपली यहाँ पर ओपन करते हैं फोटो को, देख सकते हो नॉर्मल पिक्चर है, यानी यहाँ पर फोटो के अंदर हमें जो क्वालिटी देखने को मिलता है काफ़ी बढ़िया है, शार्पनेस भी काफ़ी बढ़िया है। तो डेफिनेटली ये जो कैमरा एप्लीकेशन से बढ़िया है 1x 2x का ही भी ऑप्शन देने को मिलता है। एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड हमें देने को नहीं मिलता है, यहाँ पर नाइट मोड भी देने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो VSmart का कैमरा एप्लीकेशन है ये 1.1 है। जो नया बिल्ड है VSmart का कैमरा एप्लीकेशन का उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड देने को मिलता है, नाइट मोड भी देने को मिलता है। ये जो बिल्ड है थोड़ा सा पुराना बिल्ड है इसलिए हमें यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, नाइट स्लाइड, ये सभी जो फीचर्स देने को नहीं मिलता है। डेफिनेटली जब नया बिल्ड अवेलेबल होगा तब मैं जरूर से वीडियो करूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। एक्चुअली जो नया बिल्ड है अभी फिलहाल उसका जो पोर्ट वर्सन है अवेलेबल नहीं हुआ है, जब भी अवेलेबल होगा आपको मैं वीडियो करूंगा। नेक्स्ट ये जो बिल्ड है ऑक्सीजन इसके ऊपर काम नहीं करेगा, MIUI 12 के ऊपर काम करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एंड बाकी जो डिफरेंट मैन्युफैक्चर है उसके ऊपर भी इस कैमरा एप्लीकेशन को ट्राई करके देखो। एंड इस कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कैमरा टू API की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर कैमरा टू API इनेबल नहीं है फिर भी दोस्तों ये जो कैमरा एप्लीकेशन से काम कर जाएगा। बट मोस्ट केसेस के ऊपर अगर कैमरा टू API इनेबल होगा तो और भी अच्छी तरीके से काम करेगा ये जो कैमरा एप्लीकेशन है। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।